हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 9 रिवाइजिंग पाइथन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपके पास क्लास 7th में पाइथन नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, पाइथन लैंग्वेज को पढ़ने से पहले आपको प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है प्रोग्राम। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कॉजेज अ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो क्या परफॉर्म करता है, किसी भी एक्शन को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है। द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूजली रिटन बाय कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कौन लिखेगा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रूल्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स एंड अदर टूल्स टू लेट अस राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। जिस तरीके से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने रूल्स होते हैं। इसमें कीवर्ड होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं और अदर टूल होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स दीज डेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस नॉन एज हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि दो टाइप की हमारे पास लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो आज की डेट में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज मींस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में हम HLL भी कहते हैं, प्रोग्राम्स रिटन इन HLLs कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो केवल समझता है बाइनरी फॉर्म को, मींस लो लेवल लैंग्वेज को, जो बाइनरी फॉर्म में होती है, वन और जीरो की फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मशीन कोड में। किसकी हेल्प से किया जाता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। वंस द प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर सीपीयू टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। तो जो हमारा हाई लेवल कोड होता है, जब वो मशीन कोड में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो वो जो भी टास्क होगा उसको कंप्लीट कर देता है, परफॉर्म करता है। अब बात आती है कि जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो क्या क्या हैं, किन किन लैंग्वेजेस का आज की डेट में यूज़ होता है। तो ये हैं पाइथन, जावा, C++, PHP, VB, .NET, C। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या हैं आपकी, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है पाइथन। व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन है क्या? Python is a powerful and immensely popular high-level programming languages. Python भी एक high-level language है, एक powerful high-level language है. These days, Python is being extensively used to create web software, internet-based applications, games and mobile app. आज की डेट में Python's languages language का use different type के software को develop करने के लिए किया जाता है, जैसे वेब सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन जितनी है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, या गेम्स को बनाने के लिए भी पाइथन का यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, पाइथन का यूज़ करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट विच एवरीवन नोज अबाउट टुडे हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज। आज की डेट में जितने भी पॉपुलर वेबसाइट हैं सबका यूज़ किस में होता है, पाइथन लैंग्वेज में होता है। ये ए फ्यू ऑफ दीज वेबसाइट्स आर
मेंशनड बिलो, जैसे गूगल, यूट्यूब, ये ड्रॉप बॉक्स, स्पॉटिफाई, तो ये सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट दे रखी हैं इनका यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। मतलब इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, मोबाइल गेम्स को बनाते हैं इसमें, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें पाइथन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाई जाती है। पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, बट इट कैन बी यूज्ड टू कन्वेंशनल प्रोसीजरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग एज वेल। तो पाइथन किसको सपोर्ट करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको सपोर्ट करती है क्या पाइथन, बट इट कैन बी यूज्ड टू कन्वेंशनल प्रोसीजरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसके साथ साथ कन्वेंशनल प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी ये क्या करती है, इसमें यूज किया जाता है, इसका प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का भी यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ। लाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट अलाउज अस टू क्रिएट क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मॉड्यूलर प्रोसीजरल विद रियूजेबल कोड। इसके कोड को हम रियूज कर सकते हैं, मीन्स एक दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मींस क्लास, ऑब्जेक्ट और जितने भी मॉड्यूलर प्रोसीजरल होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और जिससे हम इसके कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। सम ऑफ द मेन फीचर्स दैट हैव मेड पाइथन सच ए पॉपुलर लैंग्वेज आई फॉलो। तो ये पाइथन के फीचर हैं। सबसे पहले है इजी टू लर्न एंड यूज। बीइंग इजी टू लर्न एंड यूज, इट इज़ डेवलपर फ्रेंडली एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली, डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज है और इसको आसानी से सीखा जा सकता है और इसको आसानी से यूज किया जा सकता है, और ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड है इजी टू रीड। द पाइथन लैंग्वेज कोड क्लोजली रिजेंबल्स द इंग्लिश लैंग्वेज, इसका जो कोड होता है ये सिमिलर होता है इंग्लिश लैंग्वेज के। तो दिस अलाउज डेवलपर्स टू रीड एंड ट्रांसलेट द पाइथन कोड मच इजली कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेज, जिस कारण इसका कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और प्रोग्रामर्स इसको आसानी से रीड कर सकता है और ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके कोड को। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। द पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द कोड वन लाइन एट ए टाइम, दिस मेक्स डिबगिंग इजी स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। अब बात आती है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, मीन्स इसका जो कोड होता है ये आसानी से लो लेवल लैंग्वेज मीन्स बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसकी हेल्प, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है, और हम इसका जो इंटरप्रेटर होता है इसके कोड को वन लाइन एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और इस कारण इसमें जितने भी डिबगिंग होगा, मतलब एरर को फाइंड करने में आसानी हो जाती है, स्पेशली किसके लिए, बिगिनर के लिए। जो भी स्टार्टिंग में इसको सीख रहा है उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। फोर, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। द पाइथन कोड कैन रन इक्वली वेल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैकिंटोस। सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके कोड को हम रन कर सकते हैं, विंडोज में, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैकिंटोस। तो ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। सो इट इज़ पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज बिकॉज वी कैन यूज इन एनी प्लेटफॉर्म लाइक Windows, Linux, Unix and Macintosh. Next है free and open source. Python क्या है, एक open source language है। It is freely available at the www.python.org. ये क्या है, free है और open source language है, हर कोई इसको download कर सकता है इसकी website से। The source code of Python can be accessed and embedded by anyone. इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैंने अभी कहा था आपको पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट के इसमें कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं।
इट कैन ऑल्सो भी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द कोड रिटन लाइक अदर लैंग्वेज लाइक जावा सी एंड सी प्लस प्लस। इसके बाद नेक्स्ट है केस सेंसिटिव लैंग्वेज लाइक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा सी सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। पाइथन इज ऑल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इन पाइथन स्मॉल सम एंड कैपिटल सम आर नॉट द सेम, दे आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें स्मॉल एस यू एम और कैपिटल एस यू एम का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो हम कह सकते हैं पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसके बाद बात आती है हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन, पाइथन को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले बात आती है हाउ टू डाउनलोड द पाइथन, पाइथन को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पाइथन को डाउनलोड करने के लिए जो ये यहाँ पे इसका URL दे रखा है https://www.python.org/, इसको किसी भी वेब ब्राउज़र में इंटरनेट की हेल्प से, आपका इंटरनेट होना चाहिए, और उसके बाद इस URL को टाइप कर देंगे किसी भी वेब ब्राउज़र में। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो ये इस टाइप की विंडो आएगी आपके। तो यहाँ पे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन दे रखा है, डाउनलोड पाइथन 3.9.1, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ से आप लोग पाइथन को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे पूछेगा यू हैव चूजन टू ओपन, और यहाँ से आप सेव फाइल कर लेंगे, तो आपका पाइथन क्या हो जाएगा, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इसको अपने कंप्यूटर में क्या कर देंगे, रन कर देंगे। मैंने पहले से इसको रन कर रखा है। तो इस तरीके से आप लोग पाइथन को डाउनलोड करेंगे, तो पाइथन डाउनलोड हो जाएगा आपका, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है। आफ्टर द डाउनलोड इज फिनिश्ड गो टू डाउनलोड फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से पाइथन को क्या कर देंगे, रन कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे। इसके बाद बात आती है डियर स्टूडेंट्स, पाइथन इंस्टॉलेशन विजल्ट इंस्टॉल्स IDLE। IDLE मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, व्हिच इज ए GUI बेस्ड पाइथन सेल एंड अलाउ यू टू राइट, एडिट एंड रन सिंपल। पाइथन IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जो क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरनेट बेस्ड क्या है, पाइथन सेल है, जो आपको कोड को राइट, एडिट और रन करने के लिए यूज होगा। इसमें पाइथन के सारे कमांड और कोड लिखे जाएंगे। इट ऑल्सो इंस्टॉल्ड ए कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड सेल। ये कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड सेल को भी क्या करता है, इंस्टॉल करता है। विच कैन ऑल्सो बी यूज टू रन कमांड, उसकी हेल्प से आप कमांड्स को रन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे IDLE का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा पाइथन 3.9.0 सेल, इस नाम से आएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइथन ये IDLE 3.9.64 इस पर क्लिक कर देंगे, तो आपका ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। ये है आपका पाइथन 3.9.0 सेल IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, आप लोग इसको रन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी विंडो ओपन होगी, मेन IDLE विंडो ओपन होगी, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मेन्यू बार, ये जिसमें फाइल, एडिट, सेल, डिबग, ऑप्शन विंडो, ये सारे के सारे ऑप्शन रहते हैं। और दूसरी विंडो नीचे होती है, जिसको कहते हैं आप प्रॉम्प्ट, जिसमें ये ग्रेटर देन, थ्री ग्रेटर देन के साइन होते हैं, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंडिकेट बाय थ्री ग्रेटर देन साइंस, प्रॉम्प्ट जो होता है आपका, ये थ्री ग्रेटर देन साइन को इंडिकेट करता है। अब आप जो कोड होगा, जो कोड को लिखेंगे, जो इसकी कमांड होंगी, तो इसको प्रॉम्प्ट के बाद लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे प्रॉम्प्ट का साइन है, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हमें मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये लिखा है, इसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस किया, तो नीचे ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड।
सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ print. प्रिंट, अब मैं दो नंबर को ऐड करूँगा यहाँ पे 657 प्लस 7896 और ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। तो इसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया तो इन दोनों का सम यहाँ पे शो हो गया 8553। सिमिलरली मैं यहाँ पे अदर कमांड का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे माइनस print प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट और इसके बाद 8765 माइनस 6785 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और मैंने एंटर किया तो ये 1980 ये रिजल्ट मिल गया हमें। तो जो ये थ्री ग्रेटर देन के साइन है, इसके बाद आप पाइथन की कमांड लिख सकते हैं और एंटर की को प्रेस करके आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट नीचे आउटपुट शो हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। तो आप लोग आज क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल कर देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।